हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आ गई हूँ फिर से एक नई रेसिपी लेके। देखिए पूरी वीडियो बने रहिए। तो यहाँ पे देखिए, और मैंने ऑरेंज वाली डाली है, भिगो के मैंने रख दिए 2-3 घंटे। उसके बाद मैंने 2-3 कलियाँ लहसुन और थोड़ी सी अदरक और 2-3 मिर्च मैंने डाले हैं। यहाँ पर तीखा नहीं हो ज़्यादा, अगर आप ज़्यादा तीखा खाते तो मिर्च यहाँ पर बढ़ा दें। तो मैं इसको अच्छी तरीके से पीस के मैंने देखिए यहाँ पर रख लिए हैं साइड में। और इसके अलावा मैं क्या क्या यहाँ पर डाल रही हूँ इस मिक्सर में, तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ी सी कलौंजी डालूँगी, और जो है ऑरेंज वाली दाल जो मैंने पीस के रखी है। यहाँ पे आप चाहे तो जीरा भी डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पे कलौंजी डाल रही हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके की आज जो है ना मिक्स वेज बनाने वाली हूँ, एकदम सबसे ज़्यादा ही टेस्टी लगते हैं ये खाने में, कुछ डिफरेंट ही है। तो मैंने यहाँ पर नमक डाल दिए, टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिए, और साथ के साथ मैंने जो है मिर्च और सॉरी प्याज और धनिया पत्ता को मैंने कट इन करके रखे हैं, वो भी मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। तो यहाँ क्योंकि मिर्च मैं पहले डाल चुकी हूँ, तो मिर्च अच्छी तरीके से पीस गए हैं। और यहाँ पे मैंने प्याज और जो धनिया पत्ता मैंने कट इन करके रखे, तो वो भी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। इसके अलावा मैं कोई भी मसाले इसमें नहीं ऐड करूँ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही टेस्टी बड़े बनते हैं ये ऑरेंज वाली दाल की। और कभी इस तरीके से ज़रूर बना के आप देखें घर पर। और आज मैं जो मिक्स वेज बनाने वाली हूँ, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में और बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, खास करके गर्मा गर्म चावल के साथ। तो इसको अच्छी तरीके से मैंने मिला लिया और कढ़िया को रख दी है यहाँ गर्म होने के लिए। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ तेल कढ़िया में गर्म होने के लिए, और गैस को मैंने मीडियम ही रखे हैं, हाई पे नहीं रखे हैं। और इसके मैं छोटे छोटे पकौड़े तलूँगी, बिल्कुल जो बढ़िया बनती है जिस टाइप से मार्केट में मिलती है उस टाइप से। तो यहाँ पर देखिए तेल भी अच्छी तरीके से गर्म हो गया, धुआँ निकल रहा है, देख पा रहे होंगे आप। तो तेल को मैं थोड़ी सी और गर्म करने के बाद, उसके बाद जो है बड़े को अच्छी तरीके से जो मिक्सी ने घोल के रखी हूँ दाल को, प्याज व्याज अच्छी तरीके से मैंने मिला लिया। तो यहाँ पे देखिए फाइनली मैंने प्याज मिला लिया, और अच्छी तरीके से इसकी छोटे छोटे पकोड़े तैयार करूँगी, जैसे जो मार्केट में बड़ी मिलती है उस टाइप से। तो यहाँ पर देखिए फाइनली एक एक करके मैं जो है डाल रही हूँ पकौड़े। तो ये अभी जो है मार्केट में मिल भी जाते हैं इस तरीके से बड़े, आप अगर खोलेंगे तो मार्केट में बहुत ईजीली तरीके से मिलते हैं। आजकल तो तरह तरह की बढ़िया मिलती है, लेकिन इस तरीके से जो है ना घर में आप बिल्कुल फ्रेश बना के आप सब्जियां बनाएं, बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं खाने में, बिल्कुल इसकी अलग ही एक टेस्ट होते हैं। और घर पे बना रहे हो बिल्कुल फ्रेश आप बना रहे हो, तो इसकी जो टेस्ट है बहुत ही डिफरेंट ही है, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप इस तरीके से जो है बड़ी बना के बच्चों को दे भी सकते हैं, गर्मा गर्म खा भी सकते हैं। आप चाहे तो इसको सब्जी में भी डाल के बना सकते हैं, और आप चाहे तो इसको वैसे भी खा सकते हैं। जो टेस्ट है ना इसका बिल्कुल वही जो है चने दाल की जैसे बढ़िया बनती है उस टाइप से इसका टेस्ट थोड़ी बहुत लगेंगे, बस थोड़ा स्वाद जो है ना थोड़ा सा अलग दिखेंगे थोड़े से। तो यहाँ पर देखिए फाइनली मैंने गैस को मीडियम करके जो है बड़े अच्छी तरीके से मैं इसको तैयार कर लेती हूँ, और उसको थोड़ा गोल्डन और थोड़ी क्रिस्पी टाइप में बनाऊंगी, ज़्यादा मतलब नरम नहीं, क्योंकि अगर थोड़ा नरम हो जाएंगे तो ये जो सब्ज़ी में बिल्कुल टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे और अच्छे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने गैस को मीडियम में रखे हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा क्रिस्पी बनाना था। तो यहाँ पर देखिए और गैस को मैंने यहाँ पर हाई कर दिया, और इसको धीरे धीरे करके मैं पलट रही हूँ, और बहुत ही आसानी तरीके से ये बन के कम तेल में ही तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल भी तेल ज़्यादा नहीं लगते इसमें। और मैं इतना ही तेल में बड़े भी बनाऊंगी और साथ में सब्जियां भी बनाऊंगी, और सब्जी भी मैं आज कुछ अलग तरीके से बनाऊंगी, कढ़िया में नहीं बनाऊंगी, कुकर में बनाऊंगी, क्योंकि ये सब्ज़ी और कुकर में जो है बहुत ज़बरदस्त बनती है, बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो यहाँ पे देखिए एक एक करके जो है बड़े मैं बिल्कुल तैयार कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ तो सिलबट्टे में इसको पीस के भी बना सकती थी, इससे भी इसका टेस्ट है ना अलग आते हैं, बट सिलबट्टे में मैंने नहीं पीसे, इसको मिक्सी में मैंने पीस लिए थे, और मिक्सी में भी अच्छी तरीके से पीस गए थे बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक एक करके जो है बड़े तैयार कर रही हूँ, और गैस को मैंने मीडियम में रखे, हाई पे बिल्कुल भी नहीं रखे हैं, क्योंकि ताकि जो है अंदर से कच्चा रह जाए, और इसको थोड़ा सा सिकने में थोड़ा सा टाइम लगते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं धीरे धीरे करके पलट रही हूँ, पलटने के बाद ही मैं इसको अच्छी तरीके से लाल करूँगी। तो यहाँ पर देखिए इसका जो कलर है ना बिल्कुल एकदम अलग ही हो गया है, एकदम गोल्डन गोल्डन कलर, और बहुत ही अच्छा लग रहे थे बनने के बाद, और बहुत वैसे आप खा सकते हैं गर्मा गर्म चावल या वैसे भी। तो ये हो गए हैं, होने के बाद मैंने इसको उतार लिए हैं, क्योंकि मुझे इतना ही और जो है गोल्डन चाहिए थे, ज़्यादा गोल्डन नहीं चाहिए थे, क्योंकि अच्छे लगते हैं इस टाइप से बड़े बनाना। तो जो है यहाँ पर ज़्यादा गोल्डन नहीं करूँगी, यहाँ इसी स्टेज पर मैं उतार लेती हूँ। तो उतारने के बाद देखिए फाइनली और बहुत ही अच्छी बनते हैं, इसकी जो टेस्ट है ना बहुत ही अलग होते हैं इस तरीके से, एक बार ज़रूर आप ट्राई करें। तो देखिए फाइनली मैंने इतने बना लिए, और ऐसे ही सेम तरीके से मैं जितने भी बड़े हैं उसको मैं तैयार कर लेती हूँ, और बिल्कुल जो बड़े
थोड़ी साइज़ जो है ना बिल्कुल छोटी छोटी मैं बनाऊंगी, क्योंकि सब्ज़ी में डालना है तो साइज बिल्कुल बड़े अच्छे नहीं लगते हैं, छोटी छोटी साइज़ में आप बढ़िया बनाइए, बहुत ही जो है स्वादिष्ट लगते हैं। और कभी जो है ना मैं स्टीम वाली बड़े की जो सब्ज़ी है ना बनती है उसकी वीडियो मैं ज़रूर लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी चीज़ों की तैयारियाँ करके रख ली। यहाँ पे देखिए मैंने बड़े बनाए थे उसकी मैंने कटोरी रख ली, एक कटोरी, और सेम तरीके से मैंने देखिए कुछ सब्जियाँ जो है कटिंग करके रखी हैं। यहाँ पे मैंने रखी है सोयाबीन, साथ में मैंने आलू दो कच्चे केले, और साथ में मैंने यहाँ पर टमाटर रखे हैं कुछ डिफरेंट तरीके के, आज मिक्स वेज बनाने वाली हूँ। और साथ के साथ मैंने दो तीन हरी मिर्च, धनिया पत्ता और एक बड़े साइज में मैंने प्याज कटिंग करके रख लिए हैं, और साथ के साथ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी रख लिए हैं। और इसको जो मैं इस तरीके से मैंने अच्छी तरीके से तैयार कर लिए हैं, और क्योंकि मुझे बनाने के टाइम पे कोई भी चीज़ जो है ढूंढना ना पड़े तो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं कुकर को अच्छी तरीके से गर्म होने के लिए। और कुकर को गर्म कर लेते हैं, करने के बाद जो है जो बड़ी मैं बनाई थी उस बड़ी का जो तेल बचे हुए हैं उसी तेल से मैं आज बनाने वाली हूँ, क्योंकि उसकी जो बड़े के जो और जो फ्लेवर है और जो स्वाद है ना उस तेल में आ गए हैं, तो मैं उसी तेल से आज बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुकर को अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे, गर्म करने के बाद जो तेल बचे हुए कढ़िया में तो वो तेल को भी मैंने यहाँ पर डाल दिया, और इससे इतने तेल में मेरी सब्ज़ियाँ बन के बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, ज़्यादा तेल की मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कम तेल में ये सब्ज़ी बनेंगे और बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। इसकी जो है ना टेस्ट बहुत ही हटके होते हैं, क्योंकि इसमें सब्जियां भी मैंने उसी तरीके से मिलाई हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाल दिए जीरा, सब्जियां मैंने डाले हैं आलू, कच्चे केले, सोयाबीन और क्या बोलते हैं बड़ी, टमाटर, प्याज, और इसका जो टेस्ट है ना एकदम लाजवाब आते हैं। इस तरीके से एक बार ज़रूर आप ट्राई करें। तो यहाँ पर देखिए मैंने सूखी मिर्च जो है धो लिए हैं अच्छी तरीके से, उसको जो गोल्डन कर लेते हैं, पहले तड़के को अच्छी तरीके से लाल होने देंगे, उसके बाद ही जो है मसाले वसाले या कुछ भी प्याज भी डालना होगा तो मैं उसके बाद ही डालूँगी। तो चलिए अच्छी तरीके से इसको ना गर्म कर लेते हैं, और तड़के और मिर्च भी अच्छी तरीके से लाल हो जाए। यहाँ पे मैंने दो तीन तेज़पत्ता मैंने लिए, तेज़पत्ता भी मैंने डाल दिए, कोई खड़े गर्म मसाला मैंने नहीं डाल रही हूँ, खड़े गर्म मसाला में जो है अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैं यहाँ पर होममेड जो है गर्म मसाला पिसे हुए वही ऐड करूँगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से तड़के लाल हो गए हैं जैसा मुझे चाहिए थे कलर। तो यहाँ पे मैं प्याज डालूंगी, प्याज को मैंने एक बड़ी साइज में मैंने प्याज लिए, क्योंकि इतनी सब्जियों में प्याज एक बड़े साइज में ही लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज में प्याज लिए, और फाइनली जो तड़के लाल हो गए हैं तो यहाँ पर मैं डाल दूँ प्याज। प्याज को अच्छी तरीके से गोल्डन करना है, तो मैंने पहले सबसे पहले प्याज ही मैंने डाले हैं, हरी मिर्च अभी नहीं डालूंगी, प्याज को मैंने डाल दी है। प्याज फ्राई होते हैं जब तक जो है इसको धीरे धीरे करके प्याज फ्राई करती हूँ, गोल्डन करूँगी ज़्यादा नहीं। और कुकर में जैसे आप नॉन वेज वगैरह बनाते हैं, आलू दम बनाते हैं, आलू सोयाबीन का सब्ज़ी बनाते हैं, उस तरीके से जो है कुकर में ये सब्ज़ी आप बनाइए और बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। एक बार ज़रूर आप ट्राई करिए इस तरीके से कुछ डिफरेंट तरीके से और मिक्स वेज। तो यहीं पर मैंने भर के एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दी है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो आप चाहे तो यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट फ्रेश भी पीस के डाल सकते हैं, बट मैं जो है एक दिन पहले पीस के रखी थी इसको, वही मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए मैं अच्छी तरीके से प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट को मैंने लाल कर ली है, और मतलब गोल्डन जो है, और उसके बाद जो है जितनी भी सब्जियाँ हैं वो मुझे डालने हैं वो भी डालूँगी। तो देख पा रहे हैं मैंने पहले डाल दिए हैं आलू, उसके बाद मैं डालूँगी कच्चे केले और सोयाबीन, क्योंकि सारी सब्जियों को फ्राई भी करने हैं। एक दो मिनट तक मैं सब्जियों को फ्राई करूँगी, क्योंकि इसका जो है थोड़ा कच्चापन वो निकल जाए, फ्राई करूँगी इस तेल के साथ ही, और भी मसाले नहीं डालूँगी, मसाले थोड़ा सा रुकने के बाद फ्राई होने के बाद ही मैं मसाले यहाँ पे डालती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फाइनली मैंने सोयाबीन डाल दिए, कच्चे केले और आलू मैंने डाल दिए हैं, और यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से घुमा के फ्राई करूँगी। और गैस को मैंने हाई पे रखे हैं, लो पे नहीं रखे हैं, क्योंकि हाई पे सब्जियों को फ्राई करने हैं, ज़्यादा नहीं दो तीन मिनट में सब्जियों को फ्राई करती हूँ, ज़्यादा देर तक नहीं फ्राई करूँगी, क्योंकि सोयाबीन है और आलू और कच्चे केले को थोड़ा सा जो है फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगते हैं, तो ज़्यादा नहीं करूँगी थोड़ा सा ही। यहाँ पे मैंने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिए हैं, कोई भी सब्ज़ी मैंने पहले से नमक नहीं डाल के रखे हैं, तो टेस्ट के हिसाब से मैंने यहाँ नमक डाल दिए, और नमक डालने के बाद भी मैं इसको अच्छी तरीके से फ्राई करती हूँ। मेन पार्ट होते हैं सब्जियां बनाने के मतलब ये होते हैं कि आप जितना अच्छी तरीके से सब्जी को भूनोगे ना उतने ही जो है इसका टेस्ट काफ़ी अच्छे आते हैं। और तो यहाँ पे देखिए मैंने भून के, और उसके बाद जो मसाले मुझे डालने हैं यहाँ पे, तो कौन सी मसाले मैं डालती हूँ वो सब वो मतलब जो है इस वीडियो में मैंने आपको नहीं दिखाई, क्योंकि मैं इसमें
मिक्स वेज मसाला डाल रही हूँ, यानी कि मसाले जो है मिक्स। तो आपको पता होगा मसाले में मिला के रखती हूँ, तो उसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और जो है गरम मसाले और सारे मसाले जितने भी गुड़े मसाले वो मैं मिला के रखती हूँ एक डब्बा में स्टोर करके। जब भी मुझे इस तरीके की सब्ज़ियाँ बनानी होती है तो वो मसाले मैं यूज़ करती हूँ। तो आप लोग ज़रूर मैसेज में बताइएगा अगर इस मसाले की रेसिपी आपको चाहिए तो मैं आपको ज़रूर किसी दिन ले कर आऊँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने मसाले डाल दिए हैं भर के, मैंने 1.5 चम्मच मैंने मसाले ऐड किए हैं, जितनी सब्जियाँ हैं उतनी क्वान्टिटी में मैंने मसाले डाले। और साथ में मैंने थोड़े से कलर के लिए देगी मिर्च डाले हैं हल्का सा, आप अगर नहीं खाते देगी मिर्च तो ना डालें यहाँ पे। और मसाले मैंने डाल दिए, इसको अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी, 1-2 मिनट ऐसे ही फ्राई करती हूँ मैं, क्योंकि मसाले डालने के बाद इसको फ्राई करना ही सबसे मेन बात है। क्योंकि आप जितना फ्राई करोगे सब्ज़ी उतना ही जो है स्वादिष्ट बनते हैं, और अगर मसाले थोड़ा सा भी कच्चा रह जाएंगे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, बिल्कुल भी टेस्ट इसके ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं धीरे धीरे करके जो सब्ज़ियाँ फ्राई कर रही हूँ उसके बाद मैंने डाल दिए टमाटर, क्योंकि टमाटर को भी फ्राई करने हैं साथ में ही सब्जियों के साथ में ही। तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए थे बिल्कुल देसी टमाटर है ये, तो मैंने इसको टमाटर को भी अच्छी तरीके से सब्जी में डाल दिए फ्राई कर रहे हैं। आप कलर देख पा रहे हो, इसका कलर जो है बहुत ही अलग ही हुए हैं, और साथ में मेरे काम भी बढ़ गए थे, आप देख पा रहे होंगे तेल भी गिर गए थे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सब्जी को फ्राई करने के लिए मसाले में फ्राई कर चुकी 1-2 मिनट, उसके बाद मैंने डाल दिया हल्का सा पानी, और पानी डालने के बाद मैं फिर से इसको फ्राई करूँगी 2-3 मिनट तक, फिर फ्राई करूँगी उसके बाद थोड़ा सा कवर कर करके उसको फ्राई करती हूँ। अच्छी तरीके से मसाले में से खुशबू आने लग जाएंगे, उसके बाद ही जो है इसमें पानी डालूंगी। और जो बड़े बनाई थी मैं बड़े में अभी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि बड़े सबसे लास्ट में डालूंगी, आप बने रहिए। देखिए मैं किस तरीके से ये सब्ज़ी बनाई थी, बहुत ही स्वादिष्ट बने थे, बहुत ही लाजवाब लगे थे खाने में। तो यहाँ पर देखिए फाइनली मैं जो गैस को हाई करके सब्ज़ियाँ भून रही हूँ, और इसका कलर ज़बरदस्त हुए थे और खुशबू भी इसकी सब्ज़ी की अच्छी तरीके से आ रहे थे, और रंग देखिए बिल्कुल चेंज हो गए हैं, और सब्ज़ी मसाले भी अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं और सब्ज़ी भी अच्छी तरीके से भून गए हैं। तो यहाँ पे मैं फाइनली पानी डाल देती हूँ, जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए उतना ही ग्रेवी के हिसाब से मैं यहाँ पे पानी डालती हूँ। तो यहाँ पे मैं मतलब रस्से वाली सब्ज़ी नहीं बनानी है, थोड़ी सी लटपटी टाइप की जो सब्ज़ियाँ बनती है ना, हल्की सी ग्रेवी ग्रेवी जो होते हैं, क्योंकि अच्छे लगते हैं दाल चावल के साथ वो ये सब्ज़ी, आप खाइए ना तो बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो है 1 गिलास मैंने पानी डाले हैं, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से मैंने पानी डाल दिया, और इतना ही पानी में मैं इसको जो पकाऊंगी, तो मैं सब्ज़ी में 2 सीटी लगाती हूँ, ज़्यादा नहीं 2 सीटी लगाऊंगी। तो यहाँ पे ढक्कन लगा दिए कुकर में और 2 सीटी लगने देंगे, उसके बाद ही मैं इसको देखूँगी। तो फाइनली देखिए सब्ज़ी का कलर बहुत ही अच्छे लगे थे ये सब्ज़ी बनने के बाद। और यहाँ पे जो मैंने बड़े तैयार किए थे बड़े भी डाल दूँगी, मैंने डाल दिए यहाँ पे धनिया पत्ता, हरी मिर्च, और जो यहाँ पे मैं बड़े तैयार करी थी यानी कि ऑरेंज वाली दाल की, मसूर दाल की जो बड़े तैयार करी थी पकोड़े, वो भी मैं यहीं पे डालूँगी, क्योंकि जितनी भी ग्रेवी है वो सोख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं फाइनली डाल रही हूँ, क्योंकि ये सब्ज़ी की सबसे ये जो टेस्ट देंगे ये देंगे बड़े यानी कि पकोड़े। और देखिए इसको अच्छी तरीके से मैं गैस को हाई करके मैं चला ले रही हूँ, और चलाने के बाद ही मैं इसको कवर कर देती हूँ, कवर करने के बाद जितनी भी एक्स्ट्रा जो है ग्रेवी सारे सोख लेते हैं। और फाइनली देखिए सब्जी का कलर कैसा लगा रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।